गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा पहला ब्लॉगिंग है। मेरा नाम गोविंद है। आज मैं पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ और मुझे ब्लॉगिंग का उतना कुछ आइडिया है नहीं, बस ब्लॉगिंग देखा हूँ और आसाम का हूँ मैं। और मैं भी बसिस्टो जाऊँगा, वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाऊँगा बसिस्टो का मंदिर। तो मैं बसिस्टो जा रहा हूँ अभी और सुबह सुबह का टाइम है, निकल पड़ा हूँ अपना KTM लेके। तो अभी उतना कुछ पता नहीं है, वो बोलना क्या है, बस बोले जा रहा हूँ जो मन में आ रहा है। वशिष्ठ मंदिर जो है ये गुवाहाटी सिटी में, गुवाहाटी सिटी बेलतला में। और मेरा एक दोस्त है जो आने वाला था, उसको मैं फोन किया, वो उसने बोला आया ही नहीं। मैं अभी रास्ता में हूँ, बस वशिष्ठ मंदिर पहुँचने वाला हूँ, उस दूरी पे है। जा ही रहा हूँ अपना KTM का साथ। ये रहा मेरा KTM। भाई मतलब कुछ ऐसा सीन है, मतलब मैं सोच रहा था एक महीना से ब्लॉगिंग करूँ ना, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था तो ब्लॉगिंग करने का। बस आज मतलब सोचा कुछ ना कुछ, मतलब सुबह में निकलना था, मतलब सुबह सुबह निकलने से है ना, मतलब मौसम एकदम क्लियर एकदम साफ सुथरा है, धूप में एकदम पसीना मुँह हाथ में लगा हुआ, बस ऐसे में ब्लॉगिंग नहीं हो पाता है। ब्लॉगिंग अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, उतना बस बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि कैमरा के आगे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस ऐसे आज मैं बोल दिया हूँ, कैमरा के आगे बोल रहा हूँ अभी। भाई ब्लॉगिंग, भाई सुबह सुबह का टाइम है और मौसम जो है एकदम ठंडा ठंडा, ताज़ी ताज़ी हवा के साथ। ये आ गया आपका राम मंदिर। ये आ गया राम मंदिर, जय श्री राम। तो भाई लोग आप लोग देख रहे हो, इधर भी दो भाई हैं जो जॉगिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। फिटनेस ज़रूरी है दोस्तों, फिटनेस होना भी चाहिए। टाइम है और मंदिर में जाने से पहले KTM को पार्क कर देता हूँ, उसके बाद कब चाय पीना है। कब चाय पीने की बात, तो भाई सुबह सुबह की टाइम है तो इसलिए कब चाय पीना पड़ेगा। चल लीजिए तो एक कप। और तो भाई ये आ गया आपका वशिष्ठ मंदिर, और इस मंदिर के अंदर भी जाना है। ये आपका मेन गेट मंदिर का, बस। तो भाई मैं आ गया हूँ वशिष्ठ मंदिर, और इस मंदिर की बात करूँ तो ये मंदिर बना था 1764 ईस्वी में, जो कि बना था अहोम राजा राजेश्वर सिंह ने। इस मंदिर को बनाने के लिए 735 बीघा ज़मीन उन्होंने दान में दे दिया था।
तो ये मंदिर है, अभी तो इधर से कुछ हटा दिया। तो भाई ये मंदिर जो है संध्याचल पर्वत पे स्थित है, जो कि मेघालय बॉर्डर के कुछ नज़दीक में पड़ता है। ये मंदिर था वशिष्ठ आश्रम के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वशिष्ठ का आश्रम था, महर्षि वशिष्ठ उनका आश्रम था यहाँ पे, तो इसे वशिष्ठ आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। वशिष्ठ मंदिर में ही हुआ भी है, पहला मंदिर क्या दूसरा मंदिर जाना हो जहाँ महर्षि वशिष्ठ का मूर्ति बनाया है। तो ये रहा आपका मंदिर, मंदिर में आ चुका हूँ मैं। ये जो है ये महर्षि वशिष्ठ है, ये महर्षि वशिष्ठ इनका आश्रम हुआ करता था यहाँ पे। और ये जो है मंदिर है, अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है। कहा जाता है इस मंदिर को भगवान शिव को समर्पित किया गया है ये मंदिर। तो और अच्छा से दिखाता हूँ मैं, ये आगे गणेश भगवान की फोटो, ये बस। भाई मैं वशिष्ठ मंदिर थोड़ा आगे आ गया हूँ, अभी थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर, पहाड़ों पे ये देख सकते हैं आप लोग, ये जा रहा हूँ मैं। तो भाई ये गुवाहाटी सिटी जो है आसाम, यहाँ का मौसम मतलब कुछ ऐसा रहता है जो यहाँ का मौसम से प्यार हो जाता है, ना ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्म, एकदम एक बराबर में मौसम। तो भाई चारों तरफ हरियाली है और हरियाली रहना भी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत भी हो जाता है, और क्योंकि ये पहाड़ पे जो है मंदिर मेघालय के बॉर्डर के बस नज़दीक में ही है, तो वन से घिरा हुआ है मंदिर जो है। अभी मैं थोड़ा आगे आया हूँ और एक मंदिर है यहाँ पे, बड़ा सा हाथी बनाया हुआ है उसके अंदर मंदिर है, लेकिन फिलहाल उधर में मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। हाँ यहाँ पे भी ये मंदिर जो है कभी कभार खुलती है बस। तो भाई बस जा रहा हूँ। तो भाई ये भी एक मंदिर है, फिलहाल इसमें ताला लगा हुआ है। बड़े से हाथी महाराज बने हुए हैं, इसका अंदर ही मंदिर है, ये मंदिर बहुत कम ही खुला करता है, हमेशा ताला लगा हुआ रहता है बस। भाई अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ इसलिए बाहर से ही दिखा रहा हूँ, और भाई वीडियो में मतलब कुछ कोई कमेंट में या ऐसा मत करना भाई, पहली बार बना रहा हूँ ना, तो एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉगिंग का उतना बस इसीलिए। तो दूसरा ब्लॉगिंग जब बनाऊँगा इससे अच्छा बनाऊँगा।
पानी देखो, पानी कितनी साफ है, ये चमकता हुआ पानी। बस ये जब पार हो गया पानी के, ये रहा पानी, थोड़ा सा था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। और अभी मैं वशिष्ठ मंदिर से आगे आ चुका हूँ, एकदम पहाड़ पे, जहाँ पूरा जंगल ही जंगल है। सुबह सुबह के टाइम में जंगल में आ गया हूँ। है पूरा एकदम जंगल से भरा हुआ है जगह। तो है ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, पहला ब्लॉगिंग है ये। कुछ और कंटेंट मतलब मिला नहीं था, क्या बनाऊँ ब्लॉगिंग में, मेरे पास उतना कुछ खास है भी नहीं जो आप लोग को दिखा सकूँ, जो भाई ये है ये है। तो बस गुवाहाटी में रहता हूँ इसलिए एक मंदिर वशिष्ठ मंदिर जो है यहाँ पे आया हूँ। भाई कुछ कंटेंट अच्छा मिलेगा तो और अच्छा अच्छा बनाऊँगा वीडियो। अभी तो फिलहाल कुछ आ नहीं रहा था क्या बनाओ क्या नहीं, लेकिन सोच रहा था बनाओ 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 वीडियो, तो इसलिए आज मैं आ गया हूँ। भाई और रास्ता देख रहे हो पीछे, और अंदर है एकदम, और ये मतलब ये एकदम जंगल से घिरा हुआ है और इसके अंदर मैं और नहीं जाऊंगा। तो भाई मैं व्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करता हूँ अभी, आज के लिए बस इतना ही। और मैं अच्छा सा कंटेंट लाते रहूँगा कुछ, अभी तो पता है मुझे भी, मैंने कुछ उतना खास अभी बनाया नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत करने के लिए कहते हैं ना कुछ चाहिए तो बस वही है, अभी शुरुआत किया हूँ और कुछ अच्छा मैं लाऊंगा ज़रूर, पता नहीं क्या लेकिन फिर भी लाऊंगा। बस ये तो यूं ही था, बस कॉन्फिडेंस चाहिए था अंदर में, तो कैसे भी करके वीडियो बनाना है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ लाऊंगा अलग, अभी तो मुझे बस कॉन्फिडेंस चाहिए था जिसके लिए मैं वीडियो किया हूँ, क्योंकि कैमरा के आगे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि कैमरा में बोलना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। तो भाई मैं आज के लिए बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा कुछ अच्छा कंटेंट के साथ। भाई मुझे अभी कुछ मिला नहीं था क्या बनाना है क्या नहीं, ठीक है बस।